मॉर्निंग क्लास क्लास सेवन हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर वन कंप्यूटर का परिचय। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन हमारे चल रहे थे ये सभी आपको याद भी करने हैं और उतार करने हैं। क्वेश्चन नंबर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है। यह यूनिट सीपीयू क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है वह भाग होता है जो गणना करने के लिए काम में आता है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। सीपीयू क्या है कंप्यूटर का ब्रेन। इसका काम होता है कंप्यूटर को नियंत्रण करना या जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं उनको फॉलो करना। जैसे हमारा ब्रेन है हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ऐसे ही सीपीयू काम होता है कंप्यूटर यूनिट को कंट्रोल में करना। सीपीयू में भाग होता है जिसका कार्य है डाटा पर जोड़ घटा गुणा में भाग करना होता है। इसका काम होता है ALU इसको बोलते हैं लोग। इसका काम होता है दिए गए डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करना प्लस माइनस मल्टीप्लाई और 12। सीपीयू के तीन भाग होते हैं ALU CU एंड MU। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज यूनिट। देखिए नाम से पता चल रहा है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी डाटा को स्टोर करना सेव करना। ऐसे सभी कंप्यूटर जिनमें यूजर कौन होता है जो भी कंप्यूटर पर काम करता है यूजर के द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। यानी वे कंप्यूटर्स जिसमें हम जो भी हमारा डाटा होता है जो भी हमने काम किया है जो भी हमने फाइल बनाई है फोल्डर बनाया है जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाई है या जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये फाइल आपने सेव की है कंप्यूटर की मेमोरी में या मोबाइल में कहीं पर भी वो होता है स्टोरेज यूनिट। मेमोरी क्या होती है देखिए मेमोरी होती है किसी भी काम को जब हम स्टोर करते हैं तो हमें उसके लिए स्पेस की आवश्यकता होती है जिससे कि हम उस डाटा को स्टोर कर सके। तो मेमोरी क्या है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके फोन में भी क्या होती है मेमोरी होती है। अपन मेमोरी दो प्रकार की होती है एक होती है इंटरनल एक होती है एक्सटर्नल। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है ठीक है फ्लॉपी डिस्क क्या है वो टाइम पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। यह एक रेक्टेंगुलर शेप की होती थी जो इसके ऊपर क्या लगी होती थी मैग्नेटिक डिस्क लगी होती थी जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। और इसका जो शेप है वो ऐसा 3/2 and 5/4। तो ये सभी वर्क आपको याद भी करना है उतारना भी है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।